welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos upcoming notification. So guys, video ka title and thumbnail dekh ke aapko idea mil gaya hoga ki aaj ki video ka topic kya hone wala hai. So yes guys, aaj ki video mein main cabin crew job vacancy aapke sath share karungi. So recently Flybig airline ne apni cabin crew ki hiring karni shuru ki hai. So aaj ki video mein main aapke sath sari details and requirements share karungi. So usse pehle please mere channel ko subscribe kar dijiyega. You just have to press the subscribe button, that's it. And uska koi bhi, like, you know, there is no amount for that. So please subscribe my channel. And yeah, without any further delay, let's start with the video. And guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो भी requirements and details share करूँगी तो वो अपने साइड में screen पे भी share करूँगी, so that अगर आप उसका screenshot लेना चाहें तो आप वो ले सकें. So let's start with the video. Guys, आपके साथ मैंने एक screenshot share कर रखा है अपने स्क्रीन पे. तो यहाँ पे आपको फ्लाईबैग करियर पे जाना है, वहाँ पे कैबिन क्रू का ऑप्शन है, आप उसको टच करोगे तो वहाँ पे जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट और हायरिंग चल रही होगी वो आपको मिल जाएंगी. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कैबिन क्रू का पेज ओपन कर लिया है. यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है दैट एक्सपीरियंस कैबिन क्रू सीनियर कैबिन क्रू 8 ईयर. स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया, विच मीन्स कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस एंड सीनियर कैबिन क्रू के लिए है. फ्रेशर्स इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो. एंड आई एम सो सॉरी दैट दे आर हायरिंग ओनली एक्सपीरियंस, बट इट्स ओके, डोंट लूज योर होप, प्रिपेयर योर सेल्फ बिकॉज बहुत ही जल्द एयरलाइन अपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी. टिल देन प्रिपेयर योर. तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, तो मैं एक एक करके आपके लिए रीड आउट करूँगी उसे. So guys, the requirement is female Indian national with Indian passport minimum 21 years of age. So आपके पास Indian passport होना चाहिए, Indian valid passport, and आपकी जो minimum age होनी चाहिए वो 21 years of age होनी चाहिए, यानी आप 21 years old होने चाहिए हो. Normally domestic में 18 years से hiring शुरू होती है, but क्योंकि ये एक experienced job hiring है, like for experienced cabin crew only, that's why यहाँ पर age requirement 21 लिखा हुआ है. ओके, सर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया गया है वो है वैलिड कॉम्पिटेंसी कार्ड, सेप कार्ड विथ 2 इंडोर्स्ड रिकरेंट और 1 ईयर्स ऑफ टाइप एक्सपीरियंस ऑन 8 ईयर. सो एक्सपीरियंस क्रू के लिए है तो एक्सपीरियंस क्रू को पता ही होगा कि कॉम्पिटेंसी कार्ड क्या होता है एंड सेप कार्ड क्या होता है. सो आपके पास वो वैलिड कॉम्पिटेंसी कार्ड होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. तो कैंडिडेट विद इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सपोजर वुड बी एन एडेड एडवांटेज. सो अगर आपने इंटरनेशनल फ्लाई किया हुआ है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है एंड प्लस पॉइंट है. सो जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड. द सेकेंड वन इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अ मिनिमम ऑफ 10+2 फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 12th कम्प्लीट होनी चाहिए, दैट्स इट. कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे वही नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. इंग्लिश एंड हिंदी में आपकी फ्लुएंसी और रिटर्न सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए. हाइट एंड वेट के अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो है मिनिमम हाइट इज 155 सेंटीमीटर एंड वेट प्रोपोर्शनल टू BMI. सो BMI पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें फॉर योर रेफरेंस आई विल कीप द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट यू कैन चेक इट आउट. सो मिनिमम हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर दे रखी है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना BMI कन्वर्ट कर सकते हैं. अपियरेंस इज बॉडी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड, नो टैटू शुड बी विजिबल वाइल इन यूनिफॉर्म. सो अगर आप एक्सपीरियंस हो आपको पता ही है कि टैटू अलाउड नहीं होता कैबिन क्रू इंडस्ट्री में, एंड आपको कैसा वहाँ पे अपना जेस्चर रखना है. सो वेल ग्रूम्ड शुड बी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. डॉक्यूमेंट्स टू बी मेल्ड, सो आपको जो डॉक्यूमेंट ईमेल करना है उन्हें वो है यहाँ पर CV, योर रिज्यूमे, फुल लेंथ फ़ोटो, आपकी हेड टू टो की फुल लेंथ जो फ़ोटो होती है वो आपको वहाँ पर ईमेल करना है. आई एम सो सॉरी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड कॉम्पिटेंसी कार्ड. सो आपको अपना CV, फुल लेंथ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और कॉम्पिटेंसी कार्ड मेल करना है कंपनी को. एंड जॉब टाइप फुल टाइम जॉब है ये. ऑल एप्लीकेशन टू बी ईमेल एट, I'll mention the email ID on my screen and we shall get back to you if you get shortlisted.
सो आपको मेल करना है सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन द गिवन मेल आईडी. सो इफ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड देन ओनली दे विल कॉन्टेक्ट यू, इफ नो देन. Location candidate should be willing to reallocate anywhere across the Flybig network as per company requirement. So base के लिए आपको कहीं पर भी like अगर वो देते हैं कोई भी base provide करते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा. So yeah guys, this is all the requirements and the details given by the Flybig airline on their official website. So you can check. So I have already shared all the information and the details given on the Flybig official website. And apart from that, if you want to ask something, just feel free to comment in the comment section. And guys, yeah guys, so this is all for today. I hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. Share it with your friends and family who are waiting for cabin crew job interview. And yeah guys, this is all for today. If you want to ask something, you can just comment in the comment section or you can message me on Instagram and Facebook. I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care.